मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए इस शाम के वक्त में हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और आइए हम शाम के वक्त में प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आज के इस दिन में हमें संभाल के रखा, हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से बचा के रखा और हम अपने जीवन में हर एक चिंताओं के लिए, हर एक दुखों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके जीवन में भी कोई दुख, कोई समस्या, कोई चिंताएँ हैं, कोई बीमारी है, तो आइए हम उन सभी चीज़ों के लिए प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ही हमें छुटकारा देने वाला है, हमारा उद्धार करने वाला है, हमारे जीवन में शांति देने वाला, हमें हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला। हमारे जीवन में कोई भी घटी कमी हो, चाहे कुछ भी, प्रभु ही हमारी हर एक चीज़ों को जानता है, हमारे मन को जानता है, हमें क्या चाहिए, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु हर एक चीज़ों को जानता है। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आप लोग इन प्रार्थना को रिसीव करिए। प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे, आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, और महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप दयालु, आप प्रेममय हैं। हे प्रभु जी, आप करुणा निधान हैं, आप ही दया सागर हैं। हे प्रभु जी, आप दयालु हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, आप ही विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग के मालिक और पृथ्वी के अधिकारी हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आज के इस दिन में आपने हमें संभाल कर रखा, हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक बीमारियों से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा, बचा के रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, आज के इस दिन में आपने हमारे परिवारों में भोजन दिया, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखा। हे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी, आज के इस दिन में आपने हमें हर एक अपराधों से, हर एक बुराइयों से प्रभु जी बचा के रखा। हे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी, आप उनके हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक चिंताओं को जानते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप अंतर्यामी हैं। प्रभु जी, आप मनों को जांचने वाले, आप हृदय को जांचने वाले प्रभु जी, आप हर एक लोगों की बातों को जानने वाले हैं प्रभु जी। आप स्वर्ग से, आकाश से दृष्टि दौड़ाते हैं और हर एक लोगों पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप हर एक लोगों के प्रॉब्लम्स को जानते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन जो लोग भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में सारे प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स, बीमारी हैं, चिंताएँ हैं, कर्जे हैं, हे प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो, उनके जीवन में कोई भी घटी कमी हो, हे प्रभु जी, उनकी हर एक चीज़ों को पूर्ति कर, उनकी हर एक बीमारियों को चंगा कर। हे प्रभु जी, उनके परिवारों में शांति बरसा। हे पिता परमेश्वर, अगर उन लोगों से जो भी अपराध हुआ हो प्रभु जी, उनके सारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि प्रभु जी तू पापियों को क्षमा करने वाला है। हे प्रभु जी, आप धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आए थे प्रभु जी, और प्रभु जी आपने हमारे पापों को अपने क्रूस पर लेकर प्रभु जी अपने लहू बहाकर हमारे पापों को धो दिए। हे पिता परमेश्वर, आपके इस लहू बहाने के बाद भी प्रभु जी हम लोगों ने बहुत सारे अपराध किए हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु जी आप पापियों को क्षमा करते हैं। हे प्रभु जी, हम आपसे दया की याचना करते हैं, और प्रभु जी हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन पाप में गिरे हैं। हे प्रभु जी, हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी, उन सारे लोगों के हर एक पापों को क्षमा कर, क्योंकि प्रभु जी तू दयालु है, तू प्रेममय है प्रभु जी, तू पापियों को ढूंढता है। हे प्रभु जी, हम लोग पापी हैं, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे हर एक अपराधों को क्षमा कर, और प्रभु जी हम लोगों को अपना अनुग्रह दे कि हम दोबारा इन सारे पापों को ना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज के इस शाम के वक्त में प्रभु जी, हम उन सारे भाई बहनों के जीवन में जितनी सारी समस्याएं प्रभु जी, जिनकी शादियां नहीं हो रही प्रभु जी, जिनकी शादियां नहीं हो रही प्रभु जी, जिनके घरों में बीमारियां हैं, हे प्रभु जी, उनके हर एक बीमारियों को, उनके हर एक घटी कमियों को, उनकी हर एक कर्जे को प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से दूर कर। हे पिता परमेश्वर,
हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज के इस रात में प्रभु जी हम लोगों को अपने छत्र छाया में, अपने पंखों की आड़ में, अपने लहू से ढक ले प्रभु जी, ताकि आज के इस रात में हम हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक बीमारियों से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से बचे रहे। प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है कि तेरे विरुद्ध गाढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे रक्षा करते हैं। प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है कि जब तू लेटेगा तो सुख शांति की नींद आएगी। हे प्रभु जी, आज हम लोगों को सुख शांति की नींद दे, हमें हर एक शत्रुओं से, हर एक विषैले जीव जंतुओं से बचा कर। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप हमारी हड्डियों तक की रक्षा करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप अपने वचनों में वादे किए हैं कि प्रभु जी जब तू लेटेगा तो मैं तुम्हारी हड्डियों तक की रक्षा करूंगा। हे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सारे भाई बहनों को आपके चरणों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इन सभी प्रार्थनाओं को हमारे जीवन में और उन भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। आमीन।